कोई बहुत नोन इंसान जैसे फॉर एग्जांपल आफ्ताब बीइंग हर बॉयफ्रेंड डिड समथिंग सो टेरिबल टू हर जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे आफ्टर टू ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप. आप कभी भी किसी को सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए आप ये तो सोचो कि आप एक लिटरली एक वैल्यूलेस मतलब कोई वैल्यू भी नहीं हो सकती है एक जान की आप वो ले रहे हो सिर्फ एक 5 लाख रुपए के लिए या एक 50,000 रुपए के लिए विच इज मतलब आप सोच भी नहीं सकते ये बात. नेसेसिटी दूर की बात है लेकिन इंसानियत तो सबके अंदर ही होती है. आवाज़ नहीं उठाएंगी फिर बाकी सारी लड़कियों में डर बना रहता है. तुम आवाज़ तो उठाओ लोग हैं खड़े हैं लोग आ जाते हैं ऐसा कुछ नहीं. मीडिया है आप लोगों पुलिस है. मैम आपका नाम क्या है? अनन्या. दिल्ली की रहने वाली है जी. ये बताइए जिस तरीके से श्रद्धा का मर्डर किया गया 35 टुकड़े करके उसको फेंक दिए गए बेरहमी से आफ्ताब ने मारा था तो उस मुद्दे में एक लड़की होने के नाते आप कैसा महसूस कर रही हैं? ऑब्वियसली बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं बट मतलब लाइक हम लोग जैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली के ही हैं एंड पेरेंट्स का एक लौता कंसर्न यही होता है कि जैसे अभी भी शाम को घूम रहे हैं उनको यही लगता रहता है दैट आप सेफ हो या नहीं हो. 24/7 हमारे हाथ में हमारे डिजिटल गैजेट्स हैं जिसमें वो हमें ट्रैक कर सकते हैं हमारी वॉचेज़ में हमें ट्रैक कर सकते हैं फिर भी उन लोगों को एक सेफ्टी या सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है. जबकि कहने के लिए हर दूसरे बूथ पे एक फीमेल बूथ बन रखा है जिसपे लोगों मतलब फीमेल सेफ्टी के लिए ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स एंड ऑल दैट बट फिर भी आप कितने सारे केसेस ऐसे देख लो जहाँ पे कोई बहुत नोन इंसान जैसे फॉर एग्जांपल आफ्ताब बीइंग हर बॉयफ्रेंड डिड समथिंग सो टेरिबल टू हर जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे आफ्टर टू ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप एंड वो भी ऑन अ टॉपिक लाइक कि वो मैरिज के लिए रिपीटेडली बोल रहे थे विच इज़ सो स्टूपिड. तो मतलब वही है दैट सेफ्टी समझ पता नहीं चलता है हुम कैन यू ट्रस्ट एंड हुम नॉट. सवाल यहाँ पे ये उठता है जिस तरीके से वो डेटिंग ऐप से मिले थे एक दूसरे से जो डेटिंग ऐप आ रहा है उससे क्या लग रहा है आपको डेटिंग ऐप रहना चाहिए लड़कियों के लिए या फिर बैन करना चाहिए? आई थिंक दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग बिकॉज बहुत सारे लोगों को उनके काफ़ी लाइफ लॉन्ग चीज़ें भी मिली हैं डेटिंग ऐप से भी मिले हैं बट वही है इट इज़ अबाउट द पर्सन इट इज़ नॉट अबाउट द ऐप कि आप वो कहाँ से मिले हो. ऐसा तो बहुत सारे मैरिटल रेप्स भी होते हैं जो अरेंज मैरिजेस के थ्रू मिले होते हैं तो दैट इज़ नॉट ट्रू कि ऐप से कुछ पर्टिकुलरली लेना देना है बट आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ द मेंटालिटी ऑफ अ पर्सन दैन एनी ऐप और समथिंग लाइक दैट. तो ये जो बार बार ये लव जिहाद का जो शिकार होना पड़ रहा है हमारे देश में लड़कियों को तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये पहले नाम बदलते हैं अपना नाम बदलने के बाद उनको फंसाते हैं अपने चक्कर में बाद में जब लड़कियों को पता चलता है उनके बारे में तो लड़की को फिर ख़त्म कर देते हैं? ये तो लाइक उस पर्सन पे डिपेंड करता है ना लाइक बेसिकली अब इस चीज़ में लोग बोलेंगे कि रिलीजन ख़राब है ये ख़राब है बट ये एक वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है लाइक वो कैसे उसको उसके फैमिली ने उसको क्या संस्कार दिए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. फैमिली तो उनकी अच्छी थी फैमिली आफ्ताब की काफ़ी अच्छी थी लेकिन आफ्ताब ने जिस तरह की हरकत कर दिया तो फैमिली को तो नहीं सकते वो तो लोगों की मेंटालिटी होती है ना. ये नहीं बोल सकते कि सब लड़के खराब होते हैं सब लड़के बुरे ही होते हैं तो हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करें. अब कोई होता है जिनकी मेंटालिटी हो जाती है खराब तो हम उसका क्या कर सकते हैं? लड़का या लड़की भी एक स्टीरियोटाइप ही है करने के लिए बहुत सारी हम इंडिया में देख रहे हैं कितनी सारी लड़कियां अपने पावर्स का मिसयूज़ करके लड़कों पे ऐसे करती हैं जो उनके लिए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो जाती है एंड सिंस लड़कियों पे बहुत टाइम से चलता आ रहा है तो उनके लिए लॉस बन रखे हैं बट जो इनोसेंट लड़के होते हैं वो भी फंस जाते हैं एंड फिर वो लाइफ लॉन्ग केसेस सफ़र करते हैं. एक केस ऐसा भी था जिसमें फेक रेप चार्जेस की वजह से वो 25 साल बाद फ्री हुए. हो गए वो फ्री लेकिन उन पे तो सोसाइटी तो उनको वैसे ही जज करती है ना. एग्जैक्टली तो वो बिल्कुल रॉन्ग है एंड ये जहाँ तक रही कि फेक बन के कुछ और इंसान प्रिटेंड करते हैं वो प्रिटेंशियसनेस है वो तो मतलब आपकी मेंटालिटी है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ दैट यू मतलब फेक एंड यू प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स और फिर आप कुछ और बन के उनको ठग लो. इट्स लाइक दैट. कई बार सामने ऐसा आ चुका है सवाल कि कई बार मुस्लिम लड़के पकड़ने के बाद पुलिस स्टेशन में बताया उन्होंने कि हमें इसका पैसा मिलता है. भले लड़कियों को अगर फंसा रहे हो उसका 50,000 रुपये मिलता है अगर उनसे शादी कर ले रहे हो तो उसका 5 लाख रुपये उनको मिलता है. एक लव जिहाद का मतलब कितनी सोचने वाली बात है. इट इज़ नॉट अबाउट कि उनको पैसा मिल रहा है वो इसलिए कर रहे हैं इट इज़ अबाउट कि कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है जिस वजह से वो करते हैं. अब आपको कोई किसी चीज़ का लालच दे आपको उस चीज़ की ज़रूरत है आपको जैसे कि हमें एक खाने की ज़रूरत है तो अगर उस बंदे को बोले तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हें कुछ खाने के लिए देंगे तो वो गलत काम ऑब्वियसली करेगा क्योंकि वो उस पॉइंट पे नीडी है उसको उस चीज़ की ज़रूरत है. तो उस पर तो उन लोगों पे आना चाहिए ना जो लोगों ने ब्राइब कर रहे हैं उस चीज़ को देकर उन लोगों पे आना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत स्टूपिड बात है अगर हम किसी पे मतलब डायरेक्टली हम सिर्फ ये ब्लेम डाल दें कि क्योंकि उसको नीड थी उसने ऐसा करा. हर किसी में एक बेसिक इंसानियत उसकी नीड से हमेशा ज़्यादा ही रहती है. आप कभी भी किसी को सिर्फ 5 लाख रुपये के लिए आप ये तो सोचो कि आप एक लिटरली एक वैल्यूलेस मतलब कोई वैल्यू भी नहीं हो सकती है एक जान की आप वो ले रहे हो सिर्फ एक 5 लाख रुपए के लिए या एक 50,000 रुपए के लिए विच इज मतलब आप सोच भी नहीं सकते ये बात. नेसेसिटी दूर की बात है लेकिन इंसानियत तो सबके अंदर ही होती है.
जरूरत है, सबकी अलग अलग है, इंसानियत तो बेसिक है। आजकल लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं, उनको सिर्फ अपनी बड़ी होती है, वो नहीं देखते, वो अपने परिवार वालों को, आजकल लोग अपने माँ बाप किसी की कुछ नहीं बड़ी, बस खुद की बड़ी रहती है, वो खुद के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अच्छा। बस ये होता है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि हम जब जन्म लेते हैं तो किसी ना धर्म से जन्म लेते ही हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि एक धर्म से जाके दूसरे धर्म में अगर आपकी फैमिली नहीं रेडी हो रहे हैं वहाँ पे शादी करने के लिए, उनके साथ में जाने के लिए, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बट भाई ये किस्मत की बात है। आप कभी कभी अपने पेरेंट्स से लड़की कुछ ऐसा करते हो जो टर्न आउट टू बी गुड, तो आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड हो जाते हैं कि हाँ इसने हमें गलत साबित करके दिखाया। वहीं अगर वो सही प्रूव हो जाते हैं, ये तो मतलब ऐसी चीज़ हो गई कि अब पेरेंट्स अगर सही भी प्रूव हो गए तो उनके लिए तो मतलब और भी ज़्यादा टेररिंग हो गया, कि उनका उन्होंने अपना बच्चा गवा दिया अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, विच इज़ नॉट ट्रू। बट द थिंग इज़ कि कभी कभी ऐसा होता है, आप अगर अपने पेरेंट्स को गलत प्रूव कर देते हो तो वो आप पे ज़्यादा प्राउड होते हैं कि अच्छी बात है बिकॉज आपने हमें गलत प्रूव करके कुछ सही करा लाइफ में। एंड उसी जगह अगर कभी कभी 90% ऑफ द टाइम्स अनफॉर्चुनेटली, बट ये सच है कि पेरेंट्स सही निकलते हैं, पेरेंट्स ही निकलते हैं, मतलब आई डोंट हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, बट मैंने जितना देखा है ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं। एंड बात इसकी नहीं है, बात ऑब्वियसली जैसे श्रद्धा ने अपने इंस्टिंक्ट्स पे, अपने प्यार पे ज़्यादा भरोसा रखा, एंड शी वेंट अहेड फॉर इट। एंड सवाल इसमें हो रहा है प्यार पे भरोसा रखने की बात कर रहे हैं, तो वो 2 साल से उसको मार रहा था बुरी तरीके से, उसने उसे पुलिस कंप्लेंट भी किया हुआ था, तो क्या इतना भरोसा रखना जायज है क्या? ये तो फिर एक टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है कि वो उसको सह रही थी, वो तो श्रद्धा की गलती है कि वो उसको उस चीज को सह कैसे सकती है, उसको आवाज उठानी चाहिए। दुनिया में आज तक आधी लड़कियां ऐसी हैं, आधे से ज्यादा लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी आवाज नहीं उठाती, और फिर ब्लेम आ जाता है कि हाँ भाई उस रिलेशनशिप में रह रही है, आवाज नहीं उठाएंगी, फिर बाकी सारी लड़कियों में डर बना रहता है, तुम आवाज तो उठाओ, लोग हैं, खड़े हैं, लोग आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मीडिया है, आप लोग हो, पुलिस है, बट वही है।